हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी अर्ली प्रेगनेंसी सिंड्रोम के बारे में कि आपके शरीर की संरचना में किस तरह से बदलाव आते हैं जब आप कंसीव कर लेती हैं और वो भी पीरियड से पहले से ही ऑब्जर्व किए जाने वाले इस बदलाव के बारे में आज आपको मैं डिटेल से समझाऊंगी। क्या बदलाव आता है, आप उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसकी आप खुद से जांच कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय आप बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कुछ चल बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो बाहर निकलना सुरक्षित भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में घर में ही आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को अपने हाथों से जांच सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं वो क्या है। सबसे पहले, अगर आप YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, ये एक महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये है पोर्शन वजाइना का, जो कि ये बाहर का एंड है, बाहर की तरफ खुलता है, और वजाइना का अंदर वाला भाग हिस्सा जो है यहाँ पे, जिसको बच्चेदानी का मुंह कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं, इसी की हमको जांच करनी है। इसी के विषय में मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। ये है गर्भाशय, ये है तो अंडाशय, इसके अलावा ये है फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये पूरी संरचना एक महिला का प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आज हम सीखेंगे सर्विक्स के बारे में कि वजाइना में अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करके सर्विक्स की पोजीशन से अपनी प्रेगनेंसी को कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जांच करनी कैसे है, क्या सावधानी रखनी है जांच करने से पहले, किस तरह से आपको इसको करना है, वो स्टेप्स आप जरूरी है उन्हें पहले जान लें। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इसका एग्जामिनेशन नहाने के बाद करें। नहाने के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से साफ होता है, सारे जर्म्स हट चुके होते हैं, और वो सबसे सही समय होता है कि हम अपनी फिंगर्स को बॉडी के अंदर इंसर्ट करें, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन का हमको खतरा ना हो। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये चीज एक्सपेरिमेंट आप अपने हाथ से कर रहे हैं, तो आपके हाथ के नाखूनों का कटा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां मैल होती है और जर्म्स अंदर जा सकते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लें। अब आपको बताऊंगी कि करना कैसे है। नहाने के बाद आप बाथ टब के ऊपर या किसी भी ऊंची जगह पे, आप चेयर पे भी रख सकते हैं, आप अपने एक पैर को, चाहे राइट पैर को चाहे लेफ्ट पैर को, हमेशा एक ही पोजीशन को ध्यान से करें। एक ही पोजीशन हर बार के ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरे महीने करना है, पीरियड के डेज के अलावा पूरे महीने करना है, ताकि आपको अपनी सर्विक्स की पोजीशन का बिल्कुल अच्छे से समझ बैठ जाए कि हाँ, ये पोजीशन ऐसे होती है, इस समय ऐसा फील होता है। तो जो चीज मैं बताने वाली हूँ वैसी चीजें आपको वहां पे महसूस होगी। सर्विक्स का जो पोजीशन है पीरियड में अलग होता है, ओवुलेशन टाइम अलग होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में अलग होता है, और पीरियड से पहले अलग होता है। इन्हीं चीजों को हमको समझ के अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करना है। अब आइए जानते हैं कि क्या बदलाव महसूस होगा आपको अपनी इन दो फिंगर्स को, चाहे आप अपनी मिडल फिंगर को भी यूज कर सकते हैं या फिर इन दो फिंगर्स को भी इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अब हमको ये समझना है कि अर्ली प्रेगनेंसी, पीरियड आने को है, ओवुलेशन हो चुका है, पीरियड आने को है, कुछ समय बाकी, और वो बहुत कौतूहल का समय होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, थोड़े से भी शरीर में बदलाव होता है तो हम तुरंत से दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी सिम्टम तो नहीं है। तो इस समय हमको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत रहती है कि कंसीव हुआ है या नहीं। तो अब इस समय सर्विक्स कैसे बदलती है, तो दो मुख्य बदलाव होते हैं सर्विक्स के अंदर। हालांकि पीरियड से पहले भी सर्विक्स ऊपर की तरफ होती, अंदर की तरफ आप फिंगर इंसर्ट करेंगे तो आपको काफी अंदर महसूस होगी, काफी ऊपर की तरफ महसूस होगी, जबकि ओव्यूलेशन के समय काफी नीचे की तरफ फील होती, कई बार तो सर्विक्स आपको फील भी नहीं होगी, पॉटरी सा डिस्चार्ज आता है, सर्विक्स एकदम वजाइना की दीवारों में मिक्स हो जाती है और पूरी पैसेज ओपन हो जाता है, क्योंकि ये ही समय होता है कंसीव करने का। तो ये पूरी जानकारी ओव्यूलेशन में सर्विक्स कैसे बदलती है, तो बहुत लोगों को इश्यू होता है कि ओव्यूलेशन को कैसे समझे, पीरियड ही इरेगुलर है, किट भी बहुत बार अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दो बार अफोर्ड कर सकते, हर महीने किट भी अफोर्ड नहीं कर सकते ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन की। तो मेरे बताए हुए सिम्टम्स मेरे वीडियो है कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स से कैसे आप अपना ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट करेंगे, बहुत जरूरी वीडियो है। अगर आपको कंसीव करना है तो ओव्यूलेशन समझना पहली जरूरत है आपकी, तो आप उन वीडियोज को देखें, और सर्विक्स की पोजिशन से आप अपना ओव्यूलेशन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो भी वीडियो देखें। तो इस तरह से बिना कुछ खर्च किए आप ओव्यूलेशन निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से अर्ली प्रेगनेंसी में आपको दो बदलाव महसूस होंगे सर्विक्स में। एक तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ही रहेगी, आपको ऐसा कोई नीचे की तरफ महसूस नहीं होगी कि सर्विक्स एकदम नीचे आ गई, बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन उसका जो टच है,
टच में बदलाव होगा। अब टच में क्या बदलाव होगा ये मैं आपको दो एग्जांपल से समझाती हूँ। आप अपनी इस फिंगर को लेके अपनी नोज पे, नोज की टिप पे ऐसे टच कीजिए तो आपको एक स्टिफ सी और कड़क सी हार्ड सी कार्टिलेज फील होगी। बिल्कुल उसी तरह आप अपनी लिप को टच कीजिए तो नोज के टच में और लिप्स के टच में फर्क है, एक सॉफ्ट है एक स्टिफ है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आपने कंसीव नहीं किया है ओके और आप जांच कर रही हैं तो आपको नोज टच करते हुए जैसा कार्टिलेज जैसा हार्ड सा फील हुआ था वहां पे बिल्कुल हार्ड सा महसूस होगा आपको, अगर आपको कंसीव नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में वहां क्लोज तो रहेगा, सर्विक्स क्लोज रहेगी लेकिन आपको सॉफ्ट महसूस होगा। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, कच्चे फल का और पके फल का। आप कच्चा केला लीजिए चाहे कच्चा आम लीजिए, कैरी या पका आम, दोनों में से कोई भी फ्रूट्स को आप टच करके देखेंगे तो कच्चा जो भी फ्रूट होगा उसका टच जो है स्टिफ लगेगा आपको, स्मूथ रहेगा बट स्टिफ रहेगा, हार्ड सा फील होगा। लेकिन पका हुआ जब आप हाथ में फल लेंगे तो आपको एक नरम सी फीलिंग होगी। तो ये फीलिंग आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपकी फिंगर्स में आपको कैसा फील हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है या फिर सॉफ्ट फील हो रहा है। अगर ऐसा सॉफ्ट है और उस समय आपको हल्का डिस्चार्ज भी आ रहा है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ये एक प्रमुख प्रेगनेंसी का लक्षण है क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सही तरीके से फॉलो करके अगर आप पूरे महीने ऑब्जर्व करते हैं अपनी सर्विक्स को तो बहुत आसानी से पीरियड से पहले ही बिना कुछ किए आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफी हद तक, और पीरियड मिस होने के हफ्ते बाद आप यूबीटी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि ये जांच आपको डेली नहाने के बाद करनी है क्योंकि एक समय जब आप फिक्स कर लेंगे तो आपको वेरिएशन नहीं लगेगा। हालांकि हर महिला के साथ अलग अनुभव होता है, हर महिला का शरीर अलग होता है, हर महिला के शरीर का आकार अलग होता है तो हर महिला का अनुभव अलग होगा, लेकिन आपके आपको अपने शरीर को एग्जामिन करने के लिए समय एक, पोजीशन एक आपको सेलेक्ट करनी है, फिंगर्स भी एक ही होनी चाहिए। जो फिंगर्स आप शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा उन्हीं फिंगर्स से उसी पोजीशन में खड़े होकर नहाने के बाद ही चेक करें क्योंकि इंटरकोर्स के बाद भी सर्विक्स की पोजीशन चेंज होती है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के साथ में भी सर्विक्स की पोजीशन में चेंज आता है। तो आप एक समय निर्धारित कर लें और उसी समय पे पूरे महीने के पूरे दिनों में अगर जांच करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान रहता है, आप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह यूट्यूब सहेली के साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, तनाव